आप सभी व्यूअर्स का फिर से एक न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर गाड़ी देखेंगे तो मेरे सामने स्कूटी एक्टिवा 5G है। पूरी तरीके से आज की इस वीडियो में इसको करंट और इसके हेडलाइट और सारी वायरिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सारी चीज़ें इसकी वायरिंग हार्नेस आपसे शेयर करने वाला हूं। एक एक चीज़ की आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। अगर इसका RR यूनिट देखेंगे तो पूरा BS6 की तरह है। इस तरीके से अगर फेस करेंगे और इसके कपलर को अगर चेक करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी आपको वायर देखने के लिए मिलेंगे। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। इसका CDI, इसका HD कॉयल, इसका पिकअप कॉयल, इसका मैग्नेट कॉयल, इसकी फ्यूज बॉक्स और इसकी सारी वायरिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, एक एक स्टेप आपको अच्छे से बताता चलता हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको भविष्य में प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरी तरीके से वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। कभी भी आपके वर्कशॉप आपके गैराज में प्रॉब्लम आ सकती है, तो जब आपको पता रहेगा तो एकदम से अपनी प्रॉब्लम को शूट आउट कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, वो भी बिना टाइम को वेस्ट किए। इसकी मैग्नेट कॉइल से स्टार्ट करते हैं। इसके करंट के पहले स्टेप को बताते चलते हैं, उसके साथ साथ इसकी वायरिंग हार्नेस को आपको समझाते और बताते चलते हैं। एक एक स्टेप आपको क्लियर बताता चलता हूं, बने रहिएगा। सारी चीज़ें ओपन करते हैं और इसको दिखाते चलते हैं। कपलर को ओपन कर लिए हैं। नीले पे पीली पट्टी पिकअप कॉइल का वायर रहता है, व्हाइट वाला आपका अल्टरनेटर करंट है जो सीधा मैग्नेट से करंट जनरेट हो रहा है, और हरा वाला जो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये इसका बॉडी अर्थ है। सबसे पहले आपको पिकअप कॉइल की इसमें रेंज ले लेते हैं। रेंज को लेने के लिए मल्टीमीटर को बीप के निशान पे लगाना होगा। इसके एक रूप को इस तरीके से इसमें लगाना, इसके एक रूप को लगा दिए हैं रेड वाला, और यहाँ पे चाहेंगे तो ग्राउंड दे देंगे। ग्राउंड देने के बाद इसके पिकअप कॉइल की रेंज आ रही है 234, एकदम परफेक्ट है, इतनी ही रेंज आना चाहिए, 200 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसका जरा देर में हमने पिकअप कॉइल को चेक कर लिए हैं। उसके साथ साथ इसके बाद आपको क्या करना है, इसका अल्टरनेटर करंट चेक करना है। अल्टरनेटर करंट को चेक करने के लिए आपके पास टेस्टिंग लैंप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने टेस्टिंग लैंप को ले रखा है। सबसे पहले आपको दिखाते चलते हैं किस तरीके से चेक करना है। टेस्टिंग लैंप का एक वायर इसके सफ़ेद वाले में यूज़ करेंगे जो अल्टरनेटर करंट इसके मैग्नेट से जनरेट हो रहा है, और इसका बॉडी अर्थ भी आपको इसकी मैग्नेट कॉइल से लेना है, अदर से कहीं नहीं लेना, इसका मैग्नेट कॉइल से ही आपको ग्राउंड लेना है। आपको दिखाता चलता हूँ कैसे आपको चेक करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अर्थ दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से दे दिए हैं। अब आपको दिखाते चलते हैं, अर्थ भी लगा दिए हैं और इसका मैग्नेट कॉइल में सफ़ेद वाले में भी लगा दिए हैं, ताकि अर्थ अगर कहीं से कोई भी वायर टूटा रहेगा तो यहाँ पे मेरा टेस्टिंग लैंप काम नहीं करेगा। अगर बॉडी में कहीं दे दूंगा, हो सकता है कि बैटरी का अर्थ हो, बैटरी से भी एक अर्थ रहता है और एक इंजन का भी अर्थ रहता है, तो ये स्पेशल आपके मैग्नेट कॉइल का अर्थ है। जब हम मैग्नेट कॉइल को चेक कर रहे हैं तो इसका मैग्नेट कॉइल का ही अर्थ लेंगे। चलिए गाड़ी का किक लगाएंगे और यहाँ पर टेस्टिंग लैंप हमारा जलना चाहिए। चलिए किक लगाइए, चाबी स्विच ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किक लगाइएगा तो यहाँ पर बराबर टेस्टिंग लैंप जल रहा है, ठीक है, रुक जाइएगा। तो इससे क्लियर पता चल गया कि हमारा टेस्टिंग लैंप जल रहा है, और हमें ये भी पता चलता है कि इसका मैग्नेट कॉइल एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। चलिए इसके कपलर को वापसी लगाते हैं, आगे स्टेप में आपको लेकर चलते हैं। इसके लगाइएगा, पिकअप कॉइल का भी लगा दीजिएगा। अगले स्टेप में अब इसका करंट चेक करने के लिए मुझे इसके RR यूनिट पे करंट चेक करना होगा। तो इसके RR यूनिट को ओपन करेंगे और गाड़ी के अकॉर्डिंग सारे इसमें बदलाव हो चुके हैं। इसकी वायरिंग को भी बताता चलूंगा, एक्सप्लेन करते चलते हैं। सबसे पहले आपको वायरिंग हार्नेस बता देते हैं। वायरिंग को समझने के लिए, वाइट वाला आपका मैग्नेट कॉइल से आ रहा है, जहाँ पे हमने अभी करंट को चेक किया था तो ये सीधा इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं। अब आउटपुट इसके कहाँ कहाँ निकलेंगे, पहले क्या होता था BS4 और BS3 में के रेड वाला यानी कि हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए हो जाता था, और पीला वाला हमारा लाइटिंग के लिए काम करता था, बट यहाँ पे पीला वायर देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए उसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। सबसे पहले वाइट वाले में इनपुट वोल्टेज लेना है कि मैग्नेट कॉइल से इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। वायरिंग बता देता हूँ, इसमें सफ़ेद हरी पट्टी आपका हेडलाइट के लिए काम करेगा, जो आपका DRL LED लाइट काम करता है, और जस्ट इसके बराबर में नीले पे सफ़ेद पट्टी, ये आपका हाई बीम और लो बीम के लिए दोनों वायर हेडलाइट के लिए हो जाते हैं। हरा वाला दो जगह वायर देखने को मिलेंगे, दोनों बॉडी अर्थ के तौर पे काम करेंगे, और यहाँ पे जो दो वायर आपको देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से देख लीजिएगा, लाल पे सफ़ेद पट्टी, ये आपका दो जगह देखने को मिलेगा। सीधे एक चाबी स्विच के पास चला जाएगा, आपको दिखाता चलता हूँ।
एक चाबी स्विच के पास चला जाएगा, दूसरा यहाँ पे एक इसका फ्यूज बॉक्स पे आ जाएगा इसकी बैटरी चार्जिंग के लिए। तो आप इसको समझ चुके हैं, एक बॉडी अर्थ हो गया दोनों, और दूसरा इनपुट वोल्टेज इसमें वाइट वाले में मैग्नेट कॉइल से आ रहे हैं, इसमें हरे पे नीली पे यानी के सफेद पे हरी पट्टी, ये आपका हाई बीम और लो बीम के लिए दोनों वायर नीले पे सफेद ये काम करते हैं। दूसरा एक लाल वाला लाल पे सफेद पट्टी बैटरी चार्जिंग के लिए और सीधा एक मेन लॉक के पास जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आने वाले पहले वोल्टेज लेना है, सफेद वाले वायर तक वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं, कोई वायर टूटा हुआ है शॉर्ट है उस चीज को इसमें चेक करने के लिए आपको टेस्टिंग लैंप की जरूरत पड़ेगी। दोनों वायर को अच्छे से होल्ड किया हूँ, सफेद वाले में एक टेस्टिंग लैंप का वायर दिया हूँ, बॉडी अर्थ भी आपको इसी वायर से देना है ताकि हमें यह पता चलता रहेगा कि बॉडी अर्थ भी कहीं से अगर टूट जाता है तो प्रॉब्लम आती है, तो बॉडी अर्थ भी आपको यहीं से देना है। चलिए एक एक लगाइएगा, चलिए रुक जाइएगा। तो मेरे आरआर यूनिट को आने वाले रेफरेंस वोल्टेज परफेक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे इनपुट आ रहे हैं, जो हमारा मैग्नेट कॉइल करंट बना रहा है वो यहाँ पे वोल्टेज अच्छे से आ रहे हैं। इसके कपलर को लगा देते हैं। अब इसके आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए आपको रेड पे सफेद पट्टी जो आपका बैटरी चार्जिंग के लिए जा रहा है तो हमें यहाँ पे वोल्टेज लेना होंगे। चलिए आपको बताता चलता हूँ। अब जैसे इस तरीके से आपको जो मैंने दिखाया रेड पे सफेद पट्टी, ये हमारा चार्जिंग के लिए आ रहा है लेकिन फ्यूज बॉक्स से होता आ रहा है। जब भी वोल्टेज ज्यादा आएंगे तो फ्यूज यहाँ से तुरंत शॉर्ट हो जाएगा। इसके कपलर को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता चलता हूँ। व्हाइट पे यानी के लाल पे सफेद पट्टी आपका मेन लॉक पे आ गया है और सीधा एक इसका जो फ्यूज बॉक्स से आ रहा है इससे होता हुआ सीधा ये आपका बैटरी चार्जिंग के लिए आ गया है लाल वाला इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज मुझे लेना होंगे कि मेरा आरआर यूनिट को इनपुट वोल्टेज तो मिल रहे हैं, आउटपुट दे रहा है नहीं, उसके लिए इसके टर्मिनल को ओपन करना होगा। टर्मिनल ओपन करते हैं, टेस्टिंग लैंप को यहाँ पे यूज करते हैं। दोस्तों आपसे वो चीजें शेयर करूंगा ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसकी टेस्टिंग लैंप को अब यहाँ पे लगाएंगे। चलिए एक वायर लगाइएगा, टेस्टिंग लैंप का एक वायर इसके टर्मिनल में ऐड किए हैं, बॉडी अर्थ को जहाँ से चाहे वहाँ से दे देंगे और किक का उपयोग करेंगे। यहाँ पे इसका टेस्टिंग लैंप जलना चाहिए। चलिए एक एक लगाइएगा। तो आप देख रहे हैं टेस्टिंग लैंप अच्छे से जल रहा है, किक लगाइए थोड़ा जोर से। चलिए रुक जाइएगा। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है मेरा आरआर यूनिट को इनपुट वोल्टेज भी अच्छे से मिल रहे हैं और आउटपुट भी अच्छे से निकाल रहा है। तो ये चीज तो आपको समझ आ गई कि आने वाले वोल्टेज मेरा आरआर यूनिट अच्छे से वोल्टेज दे रहा है। चलिए इसके टर्मिनल को ऐड करते हैं, आगे का स्टेप आपको समझाते चलते हैं। अब करंट से रिलेटेड इसके सीडीआई को चेक करेंगे कि सीडीआई में वोल्टेज आ रहे नहीं है या सीडीआई में क्या प्रॉब्लम है, उसको शूट आउट करेंगे। इसके टर्मिनल को ऐड कर देते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों यहाँ पे हमें चाबी स्विच को ऑन करने की जरूरत पड़ेगी। अब चाबी स्विच को ऑन करने की क्यों जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो जैसे ही हम चाबी स्विच को ऑन करेंगे तो रेड पे यानी के ब्लैक पट्टी ये इसमें से एक वायर आपका सीडीआई में चला जाता है, दूसरा इसका आपका इग्निशन। तो आप देख रहे हैं रेड पे ब्लैक पट्टी ये आपका इसके इग्निशन लॉक में आ रहा है। तो चाबी स्विच इसमें फ्यूज द्वारा इसमें करंट जाएगा, जब भी कोई शॉर्ट सर्किट रहेगा आपका फ्यूज तुरंत शॉर्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आप 24 स्विच ऑन करने के बाद अब सीडीआई में आपको क्या क्या चेक करना है, इसके कपलर को ओपन करता हूँ और कपलर को निकालता हूँ बाहर की साइड, इसकी एक एक वायरिंग की डिटेल आपको देता चलता हूँ और सारी चीजें आपसे शेयर करता चलता हूँ। तो यहाँ पे चाबी स्विच आपको ऑन कर लेना है और चाबी स्विच को ऑन करने के बाद थोड़ा करीब से दिखाइएगा, जो रेड पे थोड़ा करीब से दिखाइएगा, इस तरीके से रेड पे ब्लैक पट्टी है, इसमें वोल्टेज लेना है। इस तरीके से टेस्टिंग लैंप का एक वायर लगाइएगा और यहाँ पे इसको इस तरीके से ग्राउंड दीजिए, थोड़ा दूर से दिखाएं इस तरीके से। तो चाबी स्विच ऑन करने पर इसमें वोल्टेज आना चाहिए, ये गाड़ी फुल्ली डीसी है तो इसमें वोल्टेज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज चेक कर लें कि आने वाले वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब सीडीआई आउटपुट सप्लाई दे रहा है या नहीं, सीडीआई खराब है सही, उसके लिए आपको कैसे पता करना है। अब जैसे हमने वहां पे पिकअप कॉइल की रेंज को चेक किया था तो पिकअप कॉइल की रेंज को अब यहाँ भी चेक करेंगे। सबसे पहले आपको वायरिंग के बारे में बताते हैं कौन सा वायर जा कहाँ रहा है। इस कपलर में टोटल 3 वायर हैं, रेड पे ब्लैक पट्टी में आने वाले 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए और ब्लैक पे पीली पट्टी आपका एसटी कॉइल पे जा रहा है और हरे पे हल्की जो ब्लैक पट्टी है ये भी आपका एसटी कॉइल पे जा रहा है। दोनों ये डीसी हैं, ये दोनों आपके एसटी कॉइल पे काम करेंगे। चलिए मैं प्रूफ शेयर करता चलता हूँ और आपको दिखाता चलता हूँ। तो ये रहा आपका ब्लैक पे पीली पट्टी
और हल्का जो हरे पे ब्लैक पट्टी है ये है आपका। दोनों सीडीआई के हैं कि प्लस माइनस फुल्ली डीसी काम करता है, तो ये चीज आप समझ गए। अब इसमें से एक तो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, दूसरे पे ब्लैक पे पीली पट्टी, और ये वाला आपका प्लस माइनस इसका यानी कि एचटी कॉइल का हो गया। अब इस कपलर की बात करते हैं, तो इस कपलर में ऐसा क्या क्या है, कौन से वायर काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको दिखाता चलूं। जो नीले पे पीली पट्टी है आपका पिकअप कॉइल का वायर है, तो जो नीले पे पीली पट्टी है आपका पिकअप कॉइल का है। दूसरा आप इस तरीके से देख रहे हैं, यानी कि पीले पे लाल पट्टी, ये आपका सेल्फ वाले बटन से काम करता है, जो आप बटन को प्रेस करते हैं। और ये दूसरा जो अब आप यहाँ से दबाएंगे, जिस तरीके से आप बटन को प्रेस करेंगे तो सीडीआई को सिग्नल मिलेगा। सीडीआई आगे सिग्नल कौन से वायर में देगा, यानी कि सफ़ेद पे हरी पट्टी, तो आपको मैं दोनों वायर का प्रूफ दिखाता और शेयर करता चलता हूँ। तो ये दोनों वायर आपको इसकी सेल्फ के रिले में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पीले पे लाल पट्टी और सफ़ेद पे हरी पट्टी। तो आप समझ गए, ये वायर जब भी आपकी गाड़ी का अगर सीडीआई में प्रॉब्लम रहेगा तब आपकी गाड़ी का सेल्फ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लेकिन ऑलमोस्ट इस पे वीडियो बना रखी है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सेल्फ को आप आराम से बाईपास कर सकते हैं। तो इसको समझ गए। बाकी हरा वाला ये आपका बॉडी अर्थ रहेगा, ये बॉडी अर्थ के तौर पर काम करेगा। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बॉडी अर्थ को कई जगह से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले जैसे इसके बॉडी अर्थ को चेक कर लें, अब पिकअप कॉइल को वहाँ पे चेक किया था, तो आने वाले वोल्टेज यहाँ भी चेक कर लें। आपको दिखाता चलता हूँ किस तरीके से चेक करना है। उसके लिए आपके पास टेस्टर होना चाहिए, इस तरीके से टेस्टर ले लीजिएगा जलने वाला। जब भी जैसे बॉडी अर्थ है, अब इस तरीके से यहाँ पे बॉडी अर्थ आ रहा है, तो कहीं भी बॉडी अर्थ दे के देख लें, ये लाइट जलना चाहिए। अगर हो सकता है ये वायर अगर आपका अर्थ का टूटा रहेगा तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। अर्थ कई जगह से आप देखे दे सकते हैं। तो जैसे इसका सीडीआई का अर्थ हो गया, दूसरा वाला यहाँ से इसको चेक कर लें, जैसे सीडीआई पे से सीधा अब यहाँ पे मैंने आपको लगाया और सीधा इसको एचटी कॉइल पे चेक करना है। आपको दिखाता चलता हूँ, यहाँ लाइट जलेगी, सीधा इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे लाइट जल रही है, तो कोई भी एचटी कॉइल तक यहाँ पे कोई वायर अगर ये सिग्नल का टूटा रहेगा तब भी आपको करंट की प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से इसका मैंने एक टेस्टर लिया और आपको दिखाता हूँ सीधा इसके एचटी कॉइल पे, यहाँ लाइट जल रही है। तो इस चीज को ले लिया आप, जैसे ब्लैक पे पीली पट्टी, इस चीज को भी चेक कर लें इस तरीके से लगा के, और यहाँ पे तो यहाँ भी देखिए लाइट जल रही है। तो ये चीज भी आपको देख लेना है, हो सकता है कोई वायर कट रहे हैं तब भी आपको करंट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज को समझ गए। अब जैसे यहाँ पे पिकअप कॉइल की रेंज वहां पे ली थी, तो यहाँ भी पिकअप कॉइल को चेक कर लें। मल्टीमीटर को यहाँ पे रख लेते हैं, बीप के निशान पे सेट कर लिए हैं, एक ग्रुप लगाइएगा, एक को बॉडी अर्थ दे दीजिएगा, तो इस तरीके से रीडिंग 234। तो यहाँ पे स्कूटी में हो सकता है कोई वायर कहीं से कट रहा हो सकता है कहीं से वायरिंग कट गई हो, या कोई तार कट जाता है तब भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से यह भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अब चार्जर में आपको लाइटिंग के बारे में बताया था, जैसे सफ़ेद पे हरी पट्टी और नीला वायर, तो ये स्पेशल इसके हेडलाइट के लिए काम करता है, हाई बीम और लो बीम के लिए काम करता है। आपको प्रूफ के तौर पे दिखाता चलता हूँ, ये इसका हाई बीम और लो बीम का बटन है। तो सफ़ेद पे हरी पट्टी और नीला वायर आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो ये आपका फुल्ली यानी कि डीसी है। और चार्जर में अगर इस तरीके से देखेंगे तो इतना आरआर यूनिट इसकी एलईडी लाइट के लिए काम करता है, और बाकी आरआर यूनिट इतना जो इतना पोर्शन है ये आपका बैटरी चार्जिंग के लिए काम करता है। तो सारी चीज़ों को जैसे मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया, अब इसके वायरिंग को चेक कर लिया, अब यहाँ से क्या करना है, आने वाले वोल्टेज सीडीआई के इसके 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करी थी, अब इसकी सीडीआई को लगाते हैं और चाबी स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं। सीडीआई को तो इनपुट वोल्टेज मिल रहे हैं, अब आउटपुट सीडीआई इसके एचटी कॉइल तक दे रहा है नहीं, ये भी आपको चेक करके दिखाते चलते हैं। अब इसके एचटी कॉइल को चेक करने के लिए चाबी स्विच ऑन कर लिए हैं, दोनों वायर में करंट चेक करना है, इसके हरे वाले में भी और ब्लैक पे पीला वाला भी। तो इस तरीके से यहाँ पे लगाइएगा और इसमें टेस्टिंग लैंप हमारी जल जाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं टेस्टिंग लैंप जल रही है। अगर मैं चाहूँ इसके दोनों वायर को इस तरीके से शॉर्ट करके जलाऊं, इधर से दिखाते हैं आपको अच्छे से, इस तरीके से जलाना चाहूँगा नहीं जलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्लैक पर पीला वाला और इस तरीके से बॉडी अर्थ दे के जलाना है, फिर इस वाले वायर को हटाना है, फिर आपको इस वाले पे चेक करना है, दोनों वायर में आपको वोल्टेज चेक कर लेना है जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। पहले 4G 5G 4G 3G में क्या होता था, एक वायर को लगाया और चेक कर लेते थे। तो इसके अगर दोनों वायर को इस तरीके से चेक करेंगे तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन दोनों वायर को अलग अलग वोल्टेज लेना है। जैसे इस तरीके से ब्लैक पर पीले वाले में आ रहे हैं, सेम इसी वायर को हटा के और इसके अब हरे वाले में चेक करना है, तो यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं। तो जब भी याद रहे इसके दोनों वाले दोनों यानी के पोर्शन दोनों तारों में आपको वोल्टेज लेना है, क्योंकि ये स्कूटी 5G है, फुल्ली डीसी है, समझने की कोशिश कीजिएगा।
जैसे इसकी सीडीआई में ये वाला तो बिल्कुल अर्थ है, जब भी पूरा अर्थ रहेगा तो हरा रहेगा, लेकिन सीडीआई में जो इसकी एचडी क्वाल तक ये दोनों वायर में से जा रहा है, इस पे हल्की ब्लैक पट्टी है, हल्का हल्का देख रहे हैं आप, ब्लैक पट्टी है। तो क्या है ये एसी, इसका डीसी प्लस माइनस है, तो दोनों वायर में वोल्टेज चेक करना है। अब जैसे हमने जो भी स्टेप आपको बताए हैं, इतने स्टेप से ही आप करंट चेक करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।